के साथ आज के बैठक में उपस्थित थे। एशिया के सबसे बड़े ग्राम जो गाजीपुर में वो गांव निवास करता है, ग्राम सभा गहमर के पूर्व में प्रधान है मुरली कुशवाहा जी, जो इस बैठक में उपस्थित थे। आइए हम जानते हैं महोदय, आज की बैठक से संबंधित किस तरह की चर्चा हुई और आप लोग समाज को आने वाले समय में किस तरह का मार्गदर्शन दे रहे हैं। महोदय प्रधान महोदय, मैं मुरली कुशवाहा पूर्व प्रधान गहमर और जो है भाजपा का वरिष्ठ नेता प्रभारी जमनिया विधानसभा के हैं। मैं जो है इस मीटिंग में आया था भाई जगदीश कुशवाहा, राजेश कुशवाहा या पूरा कुशवाहा संघ मिलकर के इसको रखा था। इसे सफल बनाना हमारा कर्तव्य था और जो है हम लोग ब्लॉक से लेकर गांव से लेकर जिले से लेकर के और प्रदेश और देश में पहले भी हमारा संगठन चलता था। इधर कुछ हरासमेंट हुआ है, उसी को मेकअप करने के लिए, उसी को जागृत करने के लिए संगठन बनाया गया है और भविष्य में यह संगठन बहुत बड़ा काम करेगा और यह निर्धारित करेगा हमारा भी जो है राजनीति में सम्मान हो, हमारे भागीदारी दिया जाए। इसी की महोदय, जैसे आप कह रहे हैं कि बीच में कुछ हरासमेंट हुआ है तो अब तो आप लोगों के शरीर में भी हरासमेंट हो गया, तो नौजवानों के लिए इसके संबंध में क्या कहना है? नौजवानों के लिए मार्गदर्शन हम लोग किए हैं कि हमारे जगदीश कुशवाहा, उमा शंकर कुशवाहा, प्रदूषण कुशवाहा, राम जी कुशवाहा, जयराम कुशवाहा, ऐसे जब संगठन मजबूत था वैसे सांसद विधायक होते थे। इधर के काल में देख लीजिए, कोई सांसद विधायक न होने की वजह से हम लोग को परेशानी है। उसी संगठन को मजबूत करके हम आगे जो है समाज को मजबूत करके अपना हिस्सा लेकर के विधायक और सांसद बनाना। जैसे ये पूर्व की बातें रहे तो जब उस समय आप लोग नौजवान रहे होंगे और इस तरह का मूवमेंट चला करके समाज का प्रतिनिधित्व दिए थे, बीच में जो हरासमेंट हुआ इसका मतलब नौजवानों में वो मूवमेंट पहुंच नहीं पाया था, तो आज के समय में आप नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नौजवान को क्या कहना कि नौजवानों को मार्गदर्शन कीजिए। जब हम दौरा जमानिया जो है जमानिया कुशवाहा संघ का अध्यक्ष थे तो जितने भी अध्यक्ष रहे अपने घर का खाना हम नहीं खाए, दूसरे के यहाँ खाते थे, उसका काम करते थे और समाज का जो है मीटिंग करके समस्याओं का समाधान करते थे। मैं एशिया के सबसे बड़े गांव का प्रधान रहने के नाते गहमर थाने में, सुहोल थाने में और दिल्लारंग में हम अब जो चाहते थे ईमानदारी से काम कराते थे, क्योंकि हमारी बिरादरी जो है हमको बिरादरी का संरक्षण चाहिए। अब जो है थोड़ा जनप्रतिनिधियों के न होने की वजह से हमको समझिए कि संरक्षण नहीं मिल रहा है, हम लोगों को विशेष रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है या संगठन के मामले से, तो राजेश जी ने जिम्मा लिया है और लोगों ने, सब लोगों ने हम लोग जिम्मा लिया है। निश्चित जो है हम सफलता करेंगे और सांसद विधायक बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।